गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है सीएम योगी की मंशा। घंटाघर में एक जगह उपलब्ध होंगे रेडीमेड गारमेंट के सभी उद्यमियों के उत्पाद। ओडीओपी शोरूम में सभी उद्यमियों के रेडीमेड गारमेंट का होगा डिस्प्ले। बाहर के कारोबारियों को सैंपल देखने व ऑर्डर देने में होगी सहूलियत। पत्नी से लूट के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को उरवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 4500 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। पच्चीस और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के आने से जनपद के ग्रामीण इलाकों से शहर में आने वाले ग्रामीणों को मिलेगा सस्ता सुलभ साधन। होगा उनका सपना साकार, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या हो जाएगी 52। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। एसपी साउथ का कार्यालय गोरखपुर से बेलीपार थाना परिसर में बने नए भवन में हुआ शिफ्ट। दक्षिणी क्षेत्र के थाने के फरियादी कार्यालय में आकर मिलकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का होगा समाधान। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित शोखा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। धोखाधड़ी व कूट रचना के आरोप में वांछित 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त सिकरीगंज थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। गोरखपुर में गोला व खजनी के तहसीलों के गांव में पंचायती राज विभाग द्वारा 25 लाख का लगाया जा रहा है बायोगैस प्लांट। 5 केवी का जनरेटर, 45 वाट की जलाई जा सकेगी 60 स्ट्रीट लाइट। सरहरी चौकी पर लगे बोर्ड से चौकी प्रभारी ने अधिकारियों का नाम व नंबर मिटवाया। एसपी नॉर्थ ने कहा, मामला संज्ञान में आते ही चौकी प्रभारी को दिया गया चेतावनी, दोबारा लिखवाया गया नाम और नंबर, दोबारा ऐसा ना करने की दी गई हिदायत। मारपीट, दुष्कर्म व लूट करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 350 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम ने इंदौर नगर निगम की तर्ज पर महानगर में 5 जोन की जगह किया 10 जोनों में विभाजित। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, सभी 10 जोनों में जोनल अधिकारी और जोनल सेनेटरी इंस्पेक्टर की कर दी गई है तैनाती। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में 2 दिवसीय व्याख्यान माला का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ शुभारंभ। 2047 के भारत विषय पर किया गया चर्चा। और 3 सितंबर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 29 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाएगा व्यापारी दिवस। सम्मान समारोह का आयोजन कर शहर के 29 वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना में शामिल रेडीमेड गारमेंट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग अब और धारदार होने जा रही है। अलग अलग उद्यमियों की इकाइयों में बनने वाले रेडीमेड गारमेंट के उत्पाद अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए ओडीओपी रेडीमेड गारमेंट शोरूम खोलने की तैयारी की जा रही है। इस ओडीओपी शोरूम में अलग अलग यूनिट्स के विभिन्न प्रकार के सिले सिलाए कपड़ों का डिस्प्ले किया जाएगा। इन्हें रिटेल में भी खरीदा जा सकेगा, तो इसके ट्रेंड से जुड़े कारोबारी सैंपल पसंद कर संबंधित उत्पाद के निर्माता को सीधे थोक आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे सकेंगे। गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट के लिए कच्चा माल, श्रम व अन्य संसाधनों की उपलब्धता और भावी संभाव्यता के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे टेराकोटा के बाद दूसरे उत्पाद के रूप में जिले की ओडीओपी में शामिल किया है।
सीएम योगी की मंशा गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है। इसके दृष्टिगत सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ओडीओपी में शामिल किए जाने के बाद गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट की यूनिट्स बड़ी संख्या में लगनी शुरू हुई है। स्थानीय स्तर पर बनने वाले रेडीमेड गारमेंट के प्रति लोगों का रुझान देखने के लिए मार्च 2021 में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में रेडीमेड गारमेंट उद्यमियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था और यहां आकर लोगों ने जमकर खरीदारी भी की थी। रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा द्वारा दोहरी सौगात दी गई है। पहला रेडीमेड गारमेंट पार्क और दूसरा रेडीमेड गारमेंट की फ्लैटर फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का ये दोनों प्रोजेक्ट शासन से मंजूर हो चुके हैं और इनसे बड़ी संख्या में रेडीमेड गारमेंट की नई यूनिट्स का खुलना भी तय है। इसी बीच रेडीमेड गारमेंट के वर्तमान और भावी उत्पादन का आकलन कर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की नई पहल की गई। कुछ उद्यमियों की तरफ से गोरखपुर के घंटाघर में ओडीओपी रेडीमेड गारमेंट का एक ऐसा शोरूम खोला जा रहा है जो सभी उद्यमियों के उत्पादों को अवसर उपलब्ध कराएगा। शोरूम की इस पहल से जुड़े रेडीमेड गारमेंट उद्यमी रमाशंकर शुक्ला का कहना है कि शोरूम में सभी उद्यमियों के रेडीमेड गारमेंट उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह शोरूम सप्ताह भीतर खुल जाएगा लेकिन इसका विधिवत शुभारंभ 1 अक्टूबर को किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सभी उद्यमियों से उनके उत्पाद सूचीबद्ध करने की अपील की जा रही है। इस शोरूम पर व्यापारी सैंपल देखकर ऑर्डर भी दे सकेंगे और जन सामान्य काफ़ी किफ़ायती दर पर अपनी पसंद के रेडीमेड गारमेंट खरीद सकेंगे। उनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं उससे आने वाले दिनों में गोरखपुर इस सेक्टर का सबसे बड़ा केंद्र नजर आएगा। उरवा थाने की पुलिस ने लूट के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शुभम राय उर्फ नितेश राय पुत्र महानंद राय, दूसरा दीपक राय उर्फ आदित्य राय पुत्र राम सिंह राय निवासीगण ग्राम टडवा श्री राम थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का 4500 रुपए बरामद किया गया। एसपी साउथ ने बताया कि 28 अगस्त को वादी जो उरवा बाजार चौराहे पर पकौड़ी की दुकान पर काम करके घर जा रहा था कि टडवा श्री राम सरकारी ट्यूबवेल के पास शुभम राय पुत्र महानंद राय व 2 अज्ञात व्यक्ति ने वादी का 5200 रुपए लिया तथा विरोध करने पर वादी की पत्नी को थप्पड़ मारे थे, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उरवा थाने की उपनिरीक्षक धनंजय राय, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार यादव, विजय कुमार नाग, रवि शुक्ला, मोनू यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, दिनांक 28/8/2022 को थाना उरवा क्षेत्र के तड़वा श्रीराम में मंटू नामक एक व्यक्ति और उसकी पत्नी से रात्रि के 8 बजे के आसपास लूट की एक घटना हुई थी, जिसका अभियोग थाना उरवा पर पंजीकृत था। आज उरवा पुलिस को दोनों लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके कब्जे से लूटा गया 4500 रुपये भी बरामद हुआ है। पुलिस इनसे और पूछताछ कर रही है कि किसी और घटना में अगर ये शामिल हों शुभम राय और दीपक राय तो अन्य थाने से भी छानबीन हो रही है। इसके बाद इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। जनपद के ग्रामीण इलाके में इलेक्ट्रिक बस संचालित होने का सपना लोगों का साकार हो रहा है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के लगातार मांग को देखते हुए नगर निगम ने 3 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का निर्णय लिया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत पूरे शहर में प्रथम चरण में 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया तथा दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाकर 10 अन्य इलेक्ट्रिक बसों और 2 टूरिस्ट बसों का संचालन किया गया। जनपद के शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
इस समय सारी बसें पूरी तरह से फुल चल रही हैं और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पिपराइज, पीपीगंज, कोड़ेराम और सहजनवा सहित अन्य शहर से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन किया गया है, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर शहर में शिक्षा, चिकित्सा या कोर्ट कचहरी के उद्देश्य से आते हैं, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से इलेक्ट्रिक बसों की मांग आ रही है, जिसको देखते हुए शासन को पत्र भेजा गया है कि 25 और इलेक्ट्रिक बस आ जाएंगी तो सब मिलाकर 50 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस, टोटल 52 बसें दूर दराज ग्रामीणों से जुड़ जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सस्ता सुलभ आवागमन के लिए संसाधन मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि आपके संज्ञान में है, गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत पूरे शहर में प्रथम चरण में 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है और दूसरे चरण में अभी कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 अन्य इलेक्ट्रिक बसों और 2 टूरिस्ट बसों का हरी झंडी दिखाकर उनका रवाना किया गया है। गोरखपुर शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों की लोकप्रियता ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इस वक्त सारी बसें पूरी तरह से फुल चल रही हैं और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए और जनप्रतिनिधियों के मांग के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेशित किया गया है कि इनको पिपराइज, पीपीगंज, कोड़ेराम, सहजनवा आदि अन्य जो शहरी क्षेत्र से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भी इनका संचालन किया जाए, जिससे कि बड़ी संख्या में जो लोग इन क्षेत्रों से रोजाना गोरखपुर शहर में शिक्षा के उद्देश्य से, चिकित्सा के उद्देश्य से या कोर्ट कचहरी के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, उनको आने और वापस जाने की बहुत ही एक अच्छी सहूलियत प्रदान की जा सके और ये सुविधाएं जो इनको प्रदान की जा रही है, इनकी आप बसों में बैठने वाले यात्रियों की संख्या को देखकर इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी भी बसें हमारी भरी हुई चल रही हैं और अन्य क्षेत्रों से भी हमारे पास हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग आ रही है कि उन क्षेत्रों में भी इन बसों को चलाया जाए। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 अन्य इलेक्ट्रिक बसों के लिए शासन में से आदेशित किया है और हम लोगों ने शासन से इस आशय का पत्र भी भेज दिया है और उम्मीद है कि बहुत से 25 अन्य बसें भी आ जाएंगी, तो जो सब मिलाकर जो हमारी कुल मिलाकर 50 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस, 52 बसों की जो ये फ्लीट है, इसकी वजह से हम पूरे गोरखपुर के दूर दराज के इलाकों से भी जुड़ जाएंगे और वहाँ रहने वाले जो हमारे सम्मानित नागरिक गण हैं उनको एक सस्ता, सुलभ और एक बहुत ही बेहतरीन जो संसाधन है आवागमन का, उसको उपलब्ध करा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का कार्यालय गोरखपुर से बेलीपार थाना परिसर में बने नए भवन में शिफ्ट हुआ, जिसके संबंध में एसपी दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 6 अगस्त से कार्यालय बेलीपार थाने के नए भवन में शुरू हो गया है, इसलिए थाना बड़हलगंज, गोला, उरवा बाजार, बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, हरपुर, बुधहट, बांसगांव, गघा व बेलीपार के नागरिक बेलीपार कार्यालय में 10 बजे से 2 बजे तक कार्यालय में संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी का कार्यालय 6 अगस्त 2022 से
थाना बेलीपार स्थित नए भवन में संचालित हो रहा है। दक्षिणी क्षेत्र के थाना बढ़लगंज, गोला, गुरुआ, बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, हरपुर हुदहट, बासगांव, गगहा और बेलीपार की जनता के लोग जिनका पुलिस से संबंधित कोई काम है, जन सुनवाई के लिए बेलीपार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रातः 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक सामान्य परिस्थितियों में रोज मिलता हूँ। इस बीच कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी समस्याएं यहाँ रख सकता है। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गुरुवार को 3 महिलाओं द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी कि एक सोखा जो उन्हीं के गाँव का रहने वाला है, प्रतिदिन सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में बुलाकर दुष्कर्म करता है, जिस पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान श्याम बिहारी पुत्र लालमन चौरसिया निवासी सरपतहा चोला बरई थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंपियरगंज थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, कांस्टेबल विकास वर्मा, महिला कांस्टेबल रिंकी यादव, आराधना गौर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, अब आ गया, अब ये सरपथा गांव है थाना कैंपियरगंज में, वहाँ 3 महिलाओं ने ये शिकायत की थी कि एक बाबा है श्याम बिहारी नाम का सोखा, वो उनको रात्रि में बुलाता था इलाज के बहाने और फिर कोई नशीली चीज़ सुंघा के उनके साथ गलत काम करता था। इस पर तहरीर प्राप्त करके और FIR लिखी गई है, सोखा को हिरासत में ले लिया गया है। अभी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब सोखा का चूंकि इधर प्रचलन ज़्यादा है तो सोखा के काफ़ी मामले आते हैं, ये पब्लिक की जागरूकता की कमी है और हम लोग अपील करेंगे कि लोगों पर विश्वास ना करें। सर आगे क्या कार्रवाई होगी? तो इसमें साक्ष्य के आधार पर फिर गिरफ्तारी और 164 का बयान और मेडिकल वगैरह ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सिकरीगंज थाने की पुलिस व SOG टीम ने धोखाधड़ी के आरोप में वांछित 10,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संतोष तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी निवासी मकान नंबर 216 मोहल्ला पुरदिलपुर निकट सावित्री हॉस्पिटल थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम था। SP साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज था जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिकरीगंज थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह, SOG टीम प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक विंध्याचल शुक्ल, हेड कांस्टेबल अबरार खां, अरुण खरवार, राम इकबाल, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, इंद्रेश कुमार वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना सिकरीगंज पुलिस एवं SOG टीम को थाना सिकरीगंज में वर्ष 2021 में पंजीकृत धोखाधड़ी के एक मुकदमे में वांछित अभियुक्त संतोष तिवारी, जिस पर 10,000 का इनाम था, उसकी गिरफ्तारी करने में असफलता मिली है। पूछताछ के बाद इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा और आगे की विधिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। जनपद में 2 तहसीलों के गांव में पंचायती राज विभाग द्वारा 25 लाख का बायोगैस प्लांट लगवाया जा रहा है, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद में 2 जगहों पर पंचायती राज विभाग द्वारा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें एक गोला के
गाजीगाड़ा व खजनी के हरिहरपुर में लगाया जा रहा है, जिसमें गोला में लग रहा बायोगैस प्लांट का काम पूरा हो चुका है और हरिहरपुर का भी काम 95% पूरा हो गया है, जिसको 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। दोनों की लागत 25 लाख रुपए है, जिसमें प्रतिदिन 1100 किलोग्राम गोबर का उपयोग किया जाएगा, जिससे 5 केवी का जनरेटर 45 वाट की 60 स्ट्रीट लाइट को 10 घंटे के लिए चलाया जा सकता है और 14 किलो के गैस सिलेंडर को गोबर गैस से भरा जा सकता है। 600 किलोग्राम जैविक खाद का निर्माण होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में दो जगह जो बेहद गौशाला है ग्राम पंचायतों में, एक गोला की गाजीगाड़ा और दूसरा हरिहरपुर है खजनी में, इन दो जगह पर बायोगैस प्लांट जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। एक जगह जो गाजीगाड़ा जो गोला है उसमें ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसको पायलट बेसिस पे रन कराना है। दोनों की लागत लगभग 25 लाख रुपये है और हरिहरपुर का जो है वो भी 95% कंप्लीट हो गया है, 5% कार्य अवशेष है, इसको अगले 3-4 दिनों में पूर्ण करा लिया जाएगा और उसके बाद दोनों को पायलट बेसिस पे रन करा करके देखा जाएगा। दोनों की कैपेसिटी जो है वो 45 क्यूबिक मीटर की है, जिसमें प्रत्येक दिन लगभग 1100 किलोग्राम गोबर का यूज किया जाएगा और इससे 5 केवीए का जो है जनरेटर चलाया जा सकता है, लगभग 60 स्ट्रीट लाइट जो 45 वॉट की है उसको इससे जलाया जा सकता है 10 घंटे के लिए लगभग, और साथ ही साथ 14 केजी का जो है एक गैस जो होता है एलपीजी सिलेंडर जो है उसको इस गोबर गैस से भरा जा सकता है। तो ये इससे लाभ है और गोबर का यूज भी होगा। इसके अलावा लगभग 600 किलोग्राम खाद जो है प्रतिदिन जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जैविक खाद का निर्माण इसके होगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है सीएम योगी की मंशा। घंटाघर में एक जगह उपलब्ध होंगे रेडीमेड गारमेंट के सभी उद्यमियों के उत्पाद। ओडीओपी शोरूम में सभी उद्यमियों के रेडीमेड गारमेंट का होगा डिस्प्ले। बाहर के कारोबारियों को सैंपल देखने व ऑर्डर देने में होगी सहूलियत। पत्नी से लूट के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को उरवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 4500 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के आने से जनपद के ग्रामीण इलाकों से शहर में आने वाले ग्रामीणों को मिलेगा सस्ता सुलभ साधन, होगा उनका सपना साकार। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या हो जाएगी 52। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। एसपी साउथ का कार्यालय गोरखपुर से बेलीपार थाना परिसर में बने नए भवन में हुआ शिफ्ट। दक्षिणी क्षेत्र के थाने के फरियादी कार्यालय में आकर मिलकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का होगा समाधान। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित शोखा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। धोखाधड़ी व कूट रचना के आरोप में वांछित 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्तों सिकरीगंज थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। गोरखपुर में गोला व खजनी के तहसीलों के गांव में पंचायती राज विभाग द्वारा 25 लाख का लगाया जा रहा है बायोगैस प्लांट। 5 केवी का जनरेटर 45 वाट की जलाई जा सकेगी 60 स्ट्रीट लाइट। सरहरी चौकी पर लगे बोर्ड से चौकी प्रभारी ने अधिकारियों का नाम व नंबर मिटवाया। एसपी नॉर्थ ने कहा, मामला संज्ञान में आते ही चौकी प्रभारी को दिया गया चेतावनी, दोबारा लिखवाया गया नाम और नंबर, दोबारा ऐसा ना करने की दी गई हिदायत। मारपीट दुष्कर्म व लूट करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 350 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम ने इंदौर नगर निगम की तर्ज पर महानगर में 5 जोन की जगह किया 10 जोनों में विभाजित। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, सभी 10 जोनों में जोनल अधिकारी और जोनल सेनेटरी इंस्पेक्टर की कर दी गई है तैनाती।
युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में दो दिवसीय व्याख्यान माला का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ शुभारंभ। 2047 के भारत विषय पर किया गया चर्चा। और 3 सितंबर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 29 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाएगा व्यापारी दिवस। सम्मान समारोह का आयोजन कर शहर के 29 वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुलहरिया थाने की चौकी सरहरी पर लगे बोर्ड से अधिकारियों का नाम व नंबर मिटाया गया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है कि चौकी प्रभारी ने बोर्ड से अधिकारियों का नाम मिटवा दिया था, जिस पर चौकी प्रभारी को कार्यालय में तलब करके चेतावनी दी गई कि तत्काल बोर्ड पर अधिकारियों का नाम व नंबर अंकित करवाएं। जिसको देखते हुए चौकी प्रभारी ने अधिकारियों का नाम व नंबर अंकित करवाया तथा भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं करने के लिए चेतावनी दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, प्रकरण संज्ञान में आया है कि चौकी इंचार्ज सररी ने बोर्ड से अधिकारियों का नाम मिटा दिए थे, तो उस पर उनको तलब करके और चेतावनी दी गई कि तत्काल उसको सही कराएं, और उन्होंने तुरंत वहां पहुंच के सारे नंबर फिर से लिखवाए, उनको भविष्य में ऐसा ना करने के लिए ताकीद भी किया जाए। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को मारपीट, दुष्कर्म व लूट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंपियरगंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान मुन्नू पुत्र शिवचरण निवासी मछली गांव टोला ब्रह्मपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है।
जिसके पास से लूट का 350 रुपया बरामद किया गया है। कैंपियरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंपियरगंज उप निरीक्षक विशाल कुमार शुक्ला, कांस्टेबल उदय राज शामिल रहे। महानगर में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, गृह कर, जल कर सुविधा के दृष्टिगत पांचों जोन को 10 जोन में विभाजित करके जोनल अधिकारी एवं जोनल सफाई निरीक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपनी पूरी टीम के साथ इंदौर नगर निगम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंदौर का जो प्रबंधन है और जो मानव प्रबंधन है वह काबिलियत तारीफ है। इंदौर में 4 वार्डों का एक जोन बना है, जबकि हमारे यहाँ 15, 16, 17 इस तरह से एक जोन होता है। तो प्रभावी नियंत्रण और प्रशासन की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम के नए में 80 वार्ड हो रहे हैं, जिसमें प्रत्येक 8 वार्ड पर एक जोन बनाया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 10 जोन बनाए गए हैं, जिसमें 10 जोनल अधिकारी और 10 जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन में स्वच्छता की अलग जगाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा में है, अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें कि चीफ इंजीनियर, SBM प्रभारी, जोनल वन और जो हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हम लोगों ने इंदौर नगर निगम की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनका मौके पर जाकर निरीक्षण किया और उनसे बहुत सी चीज़ें को हम लोगों ने सीखा है। वहाँ पर ये पाया गया कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रबंधन है, जो मानव प्रबंधन है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और वहाँ पर 4 वार्डों का एक जोन बनता है, जबकि हमारे यहाँ 16, 15, 16, 17 इस तरह के वार्डों का एक जोन होता है। तो प्रभावी नियंत्रण और प्रशासकीय क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोगों ने अब जो हमारे पास टोटल नए परिदृश्य में 80 वार्ड हो रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रत्येक 8 वार्ड पर एक जोन बनाया है। इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर 10 जोन हो गए हैं, जिसमें कि 10 जोनल अधिकारी और 10 जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक जोन में स्वच्छता की अलग को जगाने और लोगों को गीले कूड़े, सूखे कूड़े का महत्व बताने और उनको मोबिलाइज करने के उद्देश्य से एक जोनल मोबिलाइजर की तैनाती की गई है। साथ ही साथ चूँकि इसमें बड़ी संख्या में वाहन का इस्तेमाल होता है कूड़ों को कलेक्ट करने में, उनको डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने में, इस सब पे निगाह रखने के लिए कि कोई वाहन ख़राब ना होने पाए और ख़राब हो जाए तो तत्काल उसकी मरम्मत हो जाए, हम लोग प्रत्येक जोन में एक वाहन प्रभारी की भी तैनाती कर रहे हैं। इस प्रकार से उद्देश्य यह है कि चेकिंग का जो पर्यवेक्षण का स्तर है उसको तत्काल हर स्टेज पर किया जाए, चेकिंग किया जाए। और उसके लिए हम लोगों ने इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की और वाहनों की तैनाती के साथ साथ वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पर्यवेक्षण है और सुधर जाए। और हम सबसे ज़्यादा इस वक्त डोर टू डोर कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। उद्देश्य है कि अगर सभी घरों से कूड़ा निकल कर सीधे गाड़ी में चला जाएगा और वो कूड़ा सड़कों पर नहीं आएगा तो हमारी सड़कें अर्थात हमारी रोड स्वीपिंग करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी कि वर्तमान परिदृश्य में पड़ रही है। जब गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पाती हैं तो लोग अपने घरों का कूड़ा सड़कों पर या खाली प्लाटों में फेंक देते हैं। तो उसी के उद्देश्य हम लोग हर घर के सामने, हर कॉलोनी में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, हॉस्टल्स में, चाहे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जहाँ पर 500-600 आवास एक साथ बने हुए हैं, हर जगह हम लोग जो है इस प्रकार की हमारी जो डोर टू डोर वाली गाड़ियाँ हैं वो पहुँच रही हैं। अभी हमने 30 गाड़ियों का और टेंडर किया है, वो गाड़ियाँ भी आने वाली हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी डोर टू डोर की जो स्ट्रेंथ है उसमें और इजाफा होगा। इसके साथ ही हम गीले कूड़े के कलेक्शन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि गीले कूड़े से ही आगे चलकर हम लोग यहाँ पर
जो बायो सीएनजी का प्लांट है उसको भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जो इस गीले कूबड़े से बाहर जहाँ बायो सीएनजी बनाएंगे वहीं ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी निर्माण करेंगे, जिससे कि नगर निगम की आय में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, वहीं पर बड़ी संख्या में लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के समस्त सम्मानित नागरिकों को अपील करना चाहूँगा कि जो डोर टू डोर गाड़ी वाली गाड़ियाँ आपके घर पहुँच रही हैं, आप अपने घर के सामने पहले से ही दो डस्टबिन में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग भर के रख लें। जैसे ही गाड़ी जाए उसके गीले वाले कंपार्टमेंट में गीला कूड़ा और सूखे वाले कंपार्टमेंट सूखा कूड़ा अवश्य डाल दें और इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ महाराज की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाएं ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन कर रही है। उसी क्रम में कॉलेज में व्याख्यान माला का शुभारंभ हुआ है, जिसका विषय 2047 का भारत है कि उस समय भारत कैसा होगा, जिस पर चर्चा की गई है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जल्द ही भारत विश्व गुरु होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, जो केवल समाज में
खिलाफ होगा, बल्कि जो हमारी प्राचीन परंपरा, हमारा गौरव, विश्व गुरु के जो हमारे आदर्श और मूल्य, वो उस भारत की आत्मा में समाहित होने चाहिए। ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की प्रत्येक संस्थाएँ व्याख्यान माला के आयोजन कर रही हैं। उसी के तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज अपने बलरामपुर सभागार में आज व्याख्यान माला का प्रथम दिवस का कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर बलवान सिंह जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भटौली डिग्री कॉलेज। आज का जो मुख्य विषय है हमारा 2047 का भारत, एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75 वर्ष पूरे होने पे, तो आज ये रूपरेखा तय की जाएगी कि 2047 में हम लोग कैसे भारत की उम्मीद रख रहे हैं, कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह के विकास जो है और हम कहाँ तक पहुँच रहे का लक्ष्य रख करके जो है आगे बढ़ सकते हैं, और कहाँ तक पहुँचेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकास जो है बेहतर ढंग से आगे बढ़ा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संगठन के स्थापना दिवस के 29 वर्ष पूरे होने पर 3 सितंबर को व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह में कपड़ा व्यापारी, डॉक्टर, समाज सेवी, कुल 29 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में व्यापारी वर्ग सबसे अग्रणी है, सरकार के साथ रहकर सबसे आगे सामाजिक कार्यों में सहयोग करता है, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान व्यापारी का होता है। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सरकार से मांग कर रही है, जो कि व्यापारी का भी हक होता है, क्योंकि देश का रक्षक फौजी और देश की अर्थव्यवस्था का रक्षक व्यापारी ही होता है। इस अवसर पर जिला महामंत्री अमित टेबड़ीवाल, महानगर अध्यक्ष सुरेश सुद्रानिया, रवि अग्रवाल, प्रभु दयाल कमलापुरी, पवन जलान, मोहम्मद साहेब सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने कहा, I'm going to go to the next one.
मक्खनलाल गोयल प्रांतीय संगठन मंत्री उत्तर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंत्री। किस संबंध में प्रेस वार्ता किया गया? 3 सितंबर 1993 में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना हुई थी। व्यापारिक हितों में और समाज के अच्छे कार्यों के लिए हम लोगों ने स्थापना की थी। हम लोगों की मांग है कि इस दिन सरकार व्यापारिक दिवस घोषित करे। इसी उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 3 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें जो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, जो भी समाज से 29 लोगों को हम लोग सम्मानित करें। यहाँ पे कल इसका प्रोग्राम है जिलाधिकारी आवास के सामने वेस्ट मिलान में। कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 29 लोगों को। 29 साल हो गया तो 29 लोगों को। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय, विशिष्ट अतिथि SSP साहब। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है CM योगी की मंशा। घंटाघर में एक जगह उपलब्ध होंगे रेडीमेड गारमेंट के सभी उद्यमियों के उत्पाद। ODOP शोरूम में सभी उद्यमियों के रेडीमेड गारमेंट का होगा डिस्प्ले। बाहर के कारोबारियों को सैंपल देखने व ऑर्डर देने में होगी सहूलियत। पत्नी से लूट के आरोप में वांछित 2 अभियुक्तों को उरवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 4500 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के आने से जनपद के ग्रामीण इलाकों से शहर में आने वाले ग्रामीणों को मिलेगा सस्ता सुलभ साधन। होगा उनका सपना साकार, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या हो जाएगी 52। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। SP साउथ का कार्यालय गोरखपुर से बेलीपार थाना परिसर में बने नए भवन में हुआ शिफ्ट। दक्षिण क्षेत्र के थाने के फरियादी कार्यालय में आकर मिलकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का होगा समाधान। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सुखैती के नाम पर महिलाओं को रात में बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित शोखा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। धोखाधड़ी व कूट रचना के आरोप में वांछित 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को सिकरीगंज थाने की पुलिस व SOG टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। गोरखपुर में गोला व खजनी के तहसीलों के गांव में पंचायती राज विभाग द्वारा 25 लाख का लगाया जा रहा है बायोगैस प्लांट। 5 KV का जनरेटर, 45 वाट की जलाई जा सकेगी 60 स्ट्रीट लाइट। सरहरी चौकी पर लगे बोर्ड से चौकी प्रभारी ने अधिकारियों का नाम व नंबर मिटवाया। SP नॉर्थ ने कहा, मामला संज्ञान में आते ही चौकी प्रभारी को दिया गया चेतावनी, दोबारा लिखवाया गया नाम और नंबर, दोबारा ऐसा ना करने की दी गई हिदायत। मारपीट, दुष्कर्म व लूट करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 350 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम ने इंदौर नगर निगम की तर्ज पर महानगर में 5 जोन की जगह किया 10 जोनों में विभाजित। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, सभी 10 जोनों में जोनल अधिकारी और जोनल सेनेटरी इंस्पेक्टर की कर दी गई है तैनाती। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में 2 दिवसीय व्याख्यान माला का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ शुभारंभ। 2047 के भारत विषय पर किया गया चर्चा। और 3 सितंबर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 29 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाएगा व्यापारी दिवस। सम्मान समारोह का आयोजन कर शहर के 29 वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।